नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक स्टेट समाचार से। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की दो लड़कियां भूले बिसरे जम्मू कश्मीर की धरती पे या भारत की धरती पे एंट्री लेती हैं और एंट्री लेने के बाद उनको इज्जत के साथ वापस गिफ्ट देकर भारत सरकार उन्हें भेजती है। आइए देखिए हमारी ये स्टोरी और जानिए कि हम लोग जो हैं, भारतीय जो हैं, वो किस तरह से जब कोई भूल से हमारी धरती पे आ जाता है तो किस तरह से उनको वापस भेजते हैं, और जब पाकिस्तान की धरती पर हमारा कोई शख्स चला जाता है, हमारा कोई व्यक्ति वहाँ चला जाता है, तो पाकिस्तान किस तरह से रिएक्ट करता है। क्या फ़र्क है भारत और पाकिस्तान में? एक वक्त था जब पाकिस्तान पैदा नहीं हुआ था, फिर सरहदें बटी, लोग बिछड़े और खून खराबे के बीच नफ़रतें पनपी। बावजूद इसके भारत ने सदैव इंसानियत को जिंदा रखा। मानवीय संवेदनाओं के प्रति भारत और उसके सेना का दृष्टिकोण आज उस समय फिर जीवांत हो उठा जब पुंछ जिला की नियंत्रण रेखा से मुगलाते में सीमा पार कर आई पाक अधिकृत कश्मीर की दोनों बहनों को भारतीय सेना ने बाइज्जत लौटा दिया। इतना ही नहीं, जब ये दोनों बहनें घर की ओर मुड़ी तो उनके हाथों में तोहफे थे। आरंभ में इन बहनों से पूछताछ जरूर की गई, लेकिन जब ये तय हो गया कि इनकी नीयत में किसी तरह की कोई राष्ट्र विरोधी मंशा शुमार नहीं है, तो सम्मानजनक ढंग से भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इन बेटियों को बाइज्जत लौटा दिया। जम्मू से सैन्य प्रवक्ता ने बताया कि 17 साल की लाइवा जवेर और महज 13 साल की सना जवेर गांव अब्बासपुर की रहने वाली थी। अब्बासपुर तहसील फावड़ कुहाटा का एक गांव है जो पाक अधिकृत कश्मीर में आता है। बकलोल प्रवक्ता सीडीबी चौकी पर दोनों बहनों को पाकिस्तान के असैन्य एवं सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति में सौंप दिया गया। सद्भावना के तौर पर इन्हें भारतीय सेना ने सौगात एवं मिठाइयां प्रदान की और इन्हें आज चक्का दा बाग सीमा चौकी से वापस भेज दिया गया। निस्संदेह इन बेटियों के माता पिता ने बड़ी राहत की सांस ली होगी कि उनकी बेटियां सही सलामत वापस आ गई। हम अपने घर से भटक के आ गए थे इधर, और आगे हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ गए थे और आर्मी वालों ने हमें पकड़े। थोड़ी हमारी पूछताछ हुई है तो हमने सोचा था कि ये लोग हमें मारेंगे, मगर इन्होंने बहुत अच्छा सलूक किया हमारे साथ। हमें इधर लेके आए अपने पास और साथ हमें खाना भी खिलाया, अच्छा सलूक किया। और आज ये लोग हमने सोचा था कि ये हमें नहीं जाने देंगे और ये आज हमें वापस भेज रहे हैं इतना जल्दी, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे। ज्ञात रहे कि भारत हमेशा से ऐसे मामलों में संवेदनशील रहा है। इससे पहले भी रास्ता भूलकर भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुके नाबालिग बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजा जा चुका है, परंतु यदि इसी तरह की घटना सीमा के उस पार होती तो शायद पाकिस्तान इतनी आसानी से भारतीय नागरिकों को भारत के हवाले नहीं करता। भारत हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करता रहा है तथा ऐसे मामलों को संवेदनशीलता के साथ हल भी करता रहा है। ये युवतियां भी नाबालिग थी, इन्हें पूछताछ के बाद पाकिस्तान सरकार को जानकारी देने के बाद उनके हवाले कर दिया गया। ज्ञात रहे कि पाकिस्तान के साथ लगती भारतीय सीमा हमेशा संवेदनशील रही हैं। आतंकवादी गुट लंबे समय से सीमा पार करने की कोशिश करते रहे हैं, जिसको देखते हुए भारत की सुरक्षा एजेंसियां तथा सेना हमेशा अलर्ट रहती हैं। कई बार सीमा पार करते हुए आतंकवादियों को मौके पर ही मार गिराया जाता है।
ये क्षेत्र हमेशा निगरानी में रहता है। यहाँ होने वाली छोटी से छोटी घटना भी सेना की नज़र में होती है। आतंकवादी यहाँ कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए इन रास्तों का उपयोग करते हैं। भारत पाकिस्तान की इतनी लंबी सीमा एक दूसरे के साथ लगने के बावजूद कई बार स्थानीय नागरिक रास्ता भटककर सीमा के इस पार या उस पार चले जाते हैं, जिनको लेकर दोनों मुल्कों की सरकारें ऐसे मामलों को संवेदनशीलता की नज़र से देखती हैं तथा इन्हें हल करती हैं। कई बार रास्ता भटक चुके लोगों को अपने अपने देशों में भेजा जाता रहा है। इस मामले में भी नाबालिग युवतियों को संवेदनशीलता के साथ हल किया गया। अगर पाकिस्तान को या देश विरोधी ताकतों को अगर किसी से कुछ सीखना है तो भारत से सीखें, भारत से यानी हमसे सीखें कि हम किस तरह से जब हमारी धरती पर कोई दुश्मन देश का व्यक्ति भी आ जाता है तो हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी मानसिकता के जिस तरह का जहन हमने बनाया होता है और जब भी कोई बाहर से आता है या किधर से भी आता है हम ऐसे भेड़िए की तरह उसे नोचने पड़ जाएं और हम ये समझे कि ये भी हमारा दुश्मन है। सोच समझ कर फैसला लेंगे तो आने वाले जीवन में ये जो विरोध हो रहे हैं, ये जो एक दूसरे के प्रति इतनी हमारे अंदर गुस्सा है, क्रोध है, ये ख़त्म होगा जब हम प्यार मोहब्बत ये सब पैदा करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को ये समझाएंगे कि हमें किस तरह से कार्य करना है, विरोधों को छोड़कर, अपनी मानसिकता को छोड़कर किस तरह से सहयोग करना है। ये अगर आपको सीखना है तो हमसे सीखें, भारत से सीखें। बाकी आप देखते रहें दैनिक श्रेय समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।